नमस्कार स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो कल हमने पढ़ा था उदारीकरण के बारे में, आज हम पढ़ रहे हैं निजीकरण। निजीकरण का मतलब क्या है? प्राइवेटाइजेशन, जबकि हम गवर्नमेंट के जो इंडस्ट्रीज हैं, जो गवर्नमेंट के जो उद्योग हैं, सरकारी उद्योगों को हम निजी हाथों में सौंप देते हैं, निजी क्षेत्र की कंपनियों को सौंप देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? निजीकरण करना कहलाता है। देखिए, इसका तात्पर्य है किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग। मतलब सरकार अपने प्रबंधन, अपना स्वामित्व उस सार्वजनिक उपक्रम पर से हटा देती है और सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार से परिवर्तित हो रही हैं। कैसे? सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना, मतलब सरकार क्या करती है कि उस कंपनी पर से अपना स्वामित्व हटा देती है, और दूसरा क्या करती है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे ही बेच दिया जाना, या तो वो सीधे ही निजी क्षेत्र को सौंप दे, और या फिर धीरे धीरे अपना स्वामित्व जहाँ पर गवर्नमेंट का स्वामित्व है उस स्वामित्व को हटा ले। इन दोनों तरीकों से निजीकरण किया जाता है। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। अगर हम अपने शेयर्स, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपने किसी कंपनी के शेयर्स पब्लिक को बेच दे, जनता को बेच दे, और तो उसे हम क्या कहेंगे, विनिवेश करना कहते हैं। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र से जब किसी उपक्रम का निजीकरण किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, विनिवेश कहलाता है। सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था। यह भी अपेक्षा की गई थी कि निजी पूंजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने में प्रभावोत्पादक सिद्ध होगा। सरकार को यह भी आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर प्रभाव को भी बढ़ावा मिलेगा। मतलब इससे क्या था कि इसलिए किया गया निजीकरण क्योंकि निजी व्यक्ति लाभ की आशा से ज़्यादा उत्साह के साथ कार्य करेंगे, और जो सार्वजनिक उद्यमों का उत्पादन क्षमता बहुत कम होती जा रही थी, सही ढंग से कार्य नहीं हो रहा था, तो उसको हम अधिक सुधार करने में ये लाभकारी सिद्ध हो सकेगा। ठीक है, और इससे दूसरा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर प्रवाह को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी इससे बढ़ाया जा सकेगा, विदेशी कंपनियां भी इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम को प्रबंध के निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास किया है। तो अब ये सारा निजीकरण क्यों किया है, जिससे कि जो सार्वजनिक उपक्रम है उनको हम पूरी तरह स्वतंत्रता दे दें। अभी तक क्या था कि जितने भी सार्वजनिक उपक्रम थे वो सरकार की समझ के अनुसार चल रहे थे। सरकार कह रही थी भाई इतना उत्पादन करना है, इस टेक्नोलॉजी से उत्पादन करना है, इस कीमत पर बेचना है, उसी के अनुसार ये उपक्रम चलते हैं। लेकिन जब इनको स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है, जब इन्हें निजी हाथों के सुपुर्द कर दिया जाता है, तो निजी व्यक्ति अपने अनुसार इनका निर्णय लेता है ना, जिससे कि उत्पादन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। क्योंकि निजी व्यक्ति क्या करेगा कि वो लाभ ज्यादा लेने के लिए उसकी हर चीज, जो भी कमजोरियां हैं, उन सबको दूर करने का प्रयास करेगा। उदाहरण के लिए कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को नवरत्न और लघु रत्न का विशेष दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में इसमें जो अपने बॉक्स के अंदर है, जरा सा इसको भी हम रीड कर लेते हैं एक बार। वैश्वीकरण के कारण अब अनेक भारतीय कंपनियां भी विदेश में अपने पैर फैलाने लगी हैं। टाटा टी ने वर्ष 2001 में इंग्लैंड की टेटली को खरीदकर विश्व भर को चकित कर दिया था। टी बैग का प्रारंभ करने वाली टेटली को टाटा ने 1870 करोड़ रुपए की लागत पर खरीदा था। वर्ष 2004 में टाटा इस्पात ने सिंगापुर की नेट स्टील को 1245 करोड़ रुपए में दो। टाटा मोटर्स ने डेबू का कोरिया स्थित भारी वाहन संयंत्र 448 करोड़ रुपए में खरीद लिया। अब विदेश संचार निगम लिमिटेड टाइको के भूसागर मग्न संचार तार तंत्र को भी 572 करोड़ रुपए में खरीद रही है।
इस प्रकार विदेश संचार निगम को 3 महाद्वीपों तक व्याप्त 60,000 किलोमीटर लंबा सागरमग्न संचार तार तंत्र प्राप्त हो जाएगा। टाटा समूह बांग्लादेश में उर्वरक, इस्पात और विद्युत संयंत्र आदि में 8,800 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है। तो देखिए, टाटा ग्रुप है ना, इसने अपनी चाय के क्षेत्र में भी, स्टील के क्षेत्र में भी, और अपने ये जो तार, जो इसमें समुद्र के अंदर जो तार तंत्र बिछा हुआ है सागर के अंदर, उस पर भी अपना मतलब आधिपत्य करने का ये प्रयास कर रहा है। तो इससे क्या है कि हमारी जो छाप है भारत की, वो पूरे विश्व स्तर पर बढ़ती चली जा रही है। तो उसमें हम ये सब किस कारण से हुआ है, वैश्वीकरण से। तो अब हम जानेंगे कि आखिर ये वैश्वीकरण क्या है। यद्यपि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, जो एक जटिल परिघटना है, यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना। अब वैश्वीकरण का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि सभी देश आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। अब पहले तो क्या था कि जैसे भारत है, हम भारत का उदाहरण लें, तो भारत से अगर यहाँ से कोई चीज़ विदेश में जाएगी तो वो हम ये सोचेंगे, उसके लिए पूरी स्वतंत्रता नहीं थी कि हम किस चीज़ का निर्यात करें। हमें जो चीज़ लगता था कि ये इसका निर्यात करना हमारे लिए लाभकारी है, हम उसी चीज़ का निर्यात करते थे, और जिसका हमें लगता था कि इसका हमें आयात करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, हम उसी चीज़ का आयात करते थे। और अपनी इच्छा से कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट भारत में आकर के नहीं बेच सकती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि पूरा विश्व एक पटल पर आ गया है, वैश्वीकरण हो गया है। अब पूरे विश्व के सभी देशों के जो मार्केट हैं, एक दूसरे देश के लिए ओपन हो गए हैं। कोई भी देश कहीं पर भी जाकर के अपना माल बेच सकता है। तो विश्व को परस्पर निर्भर, एक दूसरे पर वो निर्भरता रहे, और अधिक एकीकृत करना, और ज़्यादा एक दूसरे के निकट लाना, ठीक है। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियों और नेटवर्क का सृजन होता है। वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगे। यह समग्र विश्व को एक बनाने या सीमा युक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है। अब वैश्वीकरण के अंदर जैसे मान लीजिए कि हम कहीं से इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों का आयात करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों का अगर आयात जिस देश से हम कर रहे हैं, उस देश में अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, कोई उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में उथल पुथल हो, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा, है ना। तो ये जो वैश्वीकरण है, इससे जब हम एक दूसरे देश से कनेक्ट हो जाते हैं, तो मीलों दूर हो रही घटनाओं का प्रभाव भी हमारे देश में पड़ने लगता है और दिखाई देने लगता है। या अगर वहाँ पर कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका फ़ायदा भी हमें मिलेगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी भी हम अपने यहाँ पर काम में ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आता है बाह्य प्रापण। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, कल हम पढ़ेंगे बाह्य प्रापण क्या होता है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।